ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कोनिडिया, जूई स्पोर्स, ये सब पढ़ा था। अब इसके उसी के सीरीज में, उसी के क्रम में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। दिस इज अनदर टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अनदर टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी एक प्रकार से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। ये एक प्रकार से अलैंगिक जनन, अर्थात ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखिए, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी है कायिक जनन। ये है क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? क्या है वो रिप्रोडक्शन? जिसमें किसी भी प्लांट के कोई भी वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे लीफ हो, स्टेम हो, उसका रूट हो, तो लीफ, स्टेम या रूट से नए प्लांट उग जाते हैं, वो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट, लीफ, स्टेम, रूट, ये सब क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट हैं। जिस इन प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनते, सीड फॉर्मेशन नहीं होता, और जब सीड नहीं बनेगा तो कहाँ से नए प्लांट उसके उगेंगे? उसके अदर भाग से, अदर बॉडी पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से। तो इसी को कहते हैं कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन कौन से प्लांट्स में होता है? इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, राइजोम, शकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब। रनर क्या होते हैं? रनर, शकर, SUCKER, शकर, इसके बाद है ट्यूबर, बल्ब, ये सब क्या होते हैं? ये प्लांट हैं। रन मीन्स दौड़ना, रनर दौड़ने वाले प्लांट नहीं। वे प्लांट, जैसे आप कुछ सब्जियों को देखते होंगे, जैसे मान लीजिए खेतों में जो सब्जियां बोई जाती हैं, आप देखे होंगे तरबूज का प्लांट, वाटरमेलन का जो प्लांट होता है, या फिर खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, मतलब इन सब के इस टाइप के प्लांट जब उगाए जाते हैं, तो ये इनका जो स्टेम होता है बड़ा वीक होता है, वीक स्टेम वाले होते हैं, और उनको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत, हम सपोर्ट देते हैं तब तो बेचारे चढ़ते हैं, और अगर सपोर्ट नहीं दिया तो फिर ज़मीन पर ही फैलते जाते हैं। तो जो प्लांट ज़मीन पर फैलते जाते हैं, सीधे इरेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनका स्टेम जो है सॉलिड नहीं है, वीक है। तो वीक स्टेम है, कमज़ोर तना वाले हैं बेचारे, तो वो क्या करेंगे? ज़मीन पर ही रेंगेंगे। इन्हीं को क्या कहते हैं? रनर। ये रेंगते हैं, मतलब पौधा रेंगेगा नहीं, ये करेगा क्या कि जितना भी उसके अंदर ग्रोथ होता जाएगा तो वो ज़मीन पर ही फैलता जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? रनर। तो कुछ रनर प्लांट जो होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। ध्यान दीजिए, एक ग्रास, एक घास है जिसको आप जानते हैं दूब घास के बारे में, बहुत जगह देख लिए होंगे आप। वो घास करता क्या है? रनर है। जैसे ये घास बढ़ते जाता है जब, तो इसमें ये लीफ निकलते जाते हैं और इसके स्टेम आगे बढ़ते जाते हैं और यहाँ से जड़ें निकलती जाती हैं, इसके रूट्स निकलते जाते हैं, इसके स्टेम से ही रूट्स निकल जा रहा है और ये प्लांट आगे बढ़ता जा रहा है। ये क्या है? रनर है। अंडरस्टैंड? तो ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? अपने स्टेम से ही रूट्स निकालते जाएगा और उसके नए नए लीव्स और स्टेम बनते चले जाएंगे आगे की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा? रनर। ये भी एक टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें सीड नहीं बनता। ठीक।
फिर है सकर, अब ध्यान दीजिए, यस यू सी के सक, सक मीन्स चूसना, सकर मीन्स चूसने वाले पौधे। कभी कभी आप देखे होंगे कोई बहुत बड़ा ट्री हो, मतलब एक पेड़ हो, और पेड़ को कोई भी सपोर्ट लेने वाला प्लांट उसको लपेटते हुए ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ होता है। आप देखे होंगे जैसे एक कोई ये लपेटने वाला तना उसी पे चढ़ा हुआ होता है, ठीक। और होता क्या है कि ये जो लपेटने वाला तना चढ़ा हुआ है, स्टेम, ये जो ये प्लांट चढ़ा हुआ है इसको पेड़ पर, तो ये क्या करता है, अपने स्टेम से छोटे छोटे रूट्स निकाल करके, रूट हेयर्स, इस ट्री के स्टेम में धंसा दिया रहता है जगह जगह, और धंसा करके उसी के फूड सप्लाई को अपने अंदर लेता रहता है, थोड़ा थोड़ा फूड लेता रहता है। तो ये होता है शकर। फिर है ट्यूबर। ट्यूबर, आप पोटैटो खाए हैं, पोटैटो इज ए टाइप ऑफ ट्यूबर। आप पोटैटो का कौन सा हिस्सा खाते हैं, ट्यूबर। और हल्दी, हल्दी, इसके बाद हो गया आपका अदरक, इन सब चीज़ों का क्या होता है, ट्यूबर। अब करते क्या, जैसे मान लीजिए हमको नया पोटैटो उगाना है, तो पोटैटो का बीज तो होता ही नहीं है, उसका सीड नहीं होता है, तो करते क्या है, उसके अदर वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब जो उसका खाने वाला भाग है, ये पोटैटो है जिसको हम खाते हैं, इसी को क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े में काट देते हैं, और अलग अलग टुकड़ों को ज़मीन में ऐसे ही धंसा देते हैं, तो नए नए प्लांट उग जाते हैं, वही होता है ट्यूबर। अब इसके बाद आता है बल्ब। बल्ब क्या होता है, आप लहसुन खाए हैं, लहसुन, तो उसमें उसका कौन सा हिस्सा खाते हैं, बल्ब। अब ये बल्ब होते क्या हैं, अब देखिए ये उसका सीधे सीधे जड़ होता है, ये इसका बल्ब वाला पार्ट है, और ये ऊपर की तरफ जा करके ये लीफ निकल जाते हैं इसके, ठीक। अब इसमें छोटे, इसका जो अलग अलग लीफ होते हैं, इस लीफ के जो नीचे वाले पोर्शन आ जाते हैं, ये क्या होते हैं, फूड भर भर के इसमें ये मोटा मोटा हो जाता है, तो इस तरह से इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, बल्ब। इसमें उसको रूट को छोड़ दीजिए, रूट को नहीं, इस वाले फूले हुए मोटे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, बल्ब। अब उस बल्ब का एक एक अलग अलग हिस्सा, जब जैसे मान लीजिए घर पर लहसुन बोना, उगाना हो आपको ज़मीन में, तो आप क्या करते हैं, इसके बल्ब के एक एक छोटे छोटे बल्ब को, जैसे ये हो गया एक, ये अलग अलग पीसेज कर लेते हैं, और इस अलग अलग पीसेज को ज़मीन में धंसा देते हैं, हमें नया प्लांट मिल जाता है। तो ये हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलग अलग टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। कुछ रिप्रोडक्शन अलग होते हैं, ये तो हो गया वेजिटेटिव के, ये सब रनर ट्यूबर सकर बल्ब वाले हो गए। अब एक होता है नोड्स, नोड्स से, नोड्स क्या होते हैं, तो आप कुछ प्लांट में देखे होंगे, जैसे आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, सुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया आर कल्टिवेटेड। क्या आपने कभी सोचा है कि केले की खेती, आलू की खेती, जिंजर, अदरक की खेती और गन्ने, सुगर केन, इन सब की खेती कैसे होती है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्राम द बर्ड्स कॉल्ड आईज। अभी मैंने बोला आपसे कि ये जो पोटैटो होता है, पोटैटो, इसमें बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसको कहते हैं आँख, मतलब वो एक्चुअली में आँख नहीं होता है, आलू देखता थोड़े, मतलब उसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे आँख की जैसे। अभी शुगर केन हो गया, तो शुगर केन में भी जो ये स्टेम होते हैं, स्टेम में छोटे छोटे ये निकले होते हैं,
स्ट्रक्चर, इनको आई कहा जाता है, मतलब ये वास्तव में आई होते नहीं हैं। तो ये नोड्स होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, नोड्स, NODES, नोड्स। इसी तरह से जिंजर में भी होता है, जिंजर को भी ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे उसमें से नोड्स निकले होते हैं, छोटे छोटे नोट्स निकले होते हैं ऐसे किनारे किनारे। तो वो नोट अब करते क्या है, इनको कट जब करेंगे तो हर पार्ट में एक नोट्स होना चाहिए। एक प्लांट अगर हमें उगाना है गन्ने का, तो हम यहाँ से और यहाँ से काट देंगे ताकि बीच में ये नोट्स जो है बचा रहे, और यही नोट्स आगे चल के क्या बन जाएगा, प्लांट। ये भी एक प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इतना ही पार्ट बचा हुआ था, इसके बाद जो है अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।